नमस्कार, मैं पल्लव कुमार, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रॉम वास्तु टॉक्स। आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट पीपल बोर्न ऑन 29th ऑफ एनी मंथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट एनर्जी, दैट इज नंबर 2 and 9, दैट इज सिंपैथी नंबर 2 एंड एनर्जी नंबर 9, पीपल बोर्न ऑन 29 डू फाइंड डिफिकल्ट और रिमेन इन डायलेमा व्हिच पाथ और प्रोफेशन टू चूज फ्रॉम देयर वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। They are active, motivated and creative and ambitious. However, they are prone to nervous tension and face insecurity and uncertainty in life. The nervousness, insecurity that is due to moon. They remain centrally focused on spirituality and philosophy on their daily life. Main maksad hai ki spirituality and philosophy par focus karke rehna. Irrespective of whatever they do, कुछ भी काम करते लेकिन दिमाग वहां पे रहता है, चलते रहता है। दे आर ड्रिवन बाय स्पिरिचुअल परस्यूट्स, दे फील दे आर लिंक्ड विद लार्जर यूनिवर्स फोर्सेस। तो उनको हमेशा लगता है कि मैं डायरेक्ट कनेक्टेड हूं अलग से। ऑन सम लेवल दे फील दैट दे आर इन द हैंड्स ऑफ डेस्टिनी। कभी कभी इनका दिमाग में चलता है कि वो जो होता है ऊपर वाला, वो सब ऊपर वाला का क्या हुआ है, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड दैट दे मस्ट सरेंडर टू द हायर पावर दैट सेव देयर लाइफ। Till mid-30 of their age, their development is slow and they get frustrated with their slow progress and not as per their effort. उनकी जितने भी effort होते हैं उसमें output नहीं निकलता till the age of 30. They crave for social interaction and much attention. Due to high emotional level, they often experience extreme happiness and sadness. यानी कि you can say the kind of imbalanced emotional state इनका रहता है. Get hurt much easily, get depressed and feel lack of confidence during their low mood time. This kind of person ki inke jo main dikkat hai, they have the tremendous energy to do everything. Simultaneously, the moon is superpower here inke sath. In spite of all above, they possess leadership quality, diplomatic and they are polite also. They have the ability of both either to persuade and get things done or forcefully get the things done. You have an opportunity for fame and success as long as you do not perceive either as your god. You have that power of fame and success. जब तक आप इसको दिमाग से ना निकाले, जो भगवान सब कुछ कर देगा, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको निकाल दीजिए दिमाग से। You are highly charged. You totally have the full focus, full energy, full striving power, everything you have. But you must develop character and sound judgment before you begin to tap your true potential. तो आपकी ये जो judgment, true judgment, फोकस आगे काम करना, दिट यू नीड टू डेवलप। लुक फॉर वेज टू हेल्प अदर्स एंड टू कन्वे लार्जर मैसेज ऑफ हार्मनी एंड इनसाइट विद व्हिच यू आर ब्लेस्ड। दिस विल ब्रिंग यू द मटेरियल एंड सोशल सक्सेस यू डिजायर। तभी जाकर आप खड़े हो पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। हमारे कर्म की जरूरी है। दिस काइंड ऑफ पीपल आर आइदर देयर वेरी बहुत अच्छे कर्म है, नहीं तो पूरा बैठ जाता है। ऑस्पिशियस ईयर ऑफ एज 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64 and 73। फेवरेबल डेज आर मंडे, फ्राइडे एंड संडे फॉर एनी न्यू एंड ऑस्पिशियस एक्टिविटी। ऑस्पिशियस डेट्स आर 2, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 25, 27 and 29। तो ये ऑस्पिशियस डेट्स जब फेवरेबल डेट्स के साथ मैच कर जाता है तो फाइनल दैट डे बिकम्स मोर पावरफुल, मोर सक्सेसफुल फॉर यू, मोर ऑस्पिशियस फॉर यू। तो उसी दिन आप कोई भी अच्छे काम शुरू करते थे, इंपॉर्टेंट काम शुरू करते हैं, कर सकते हैं। एंड एवर 5, 8, 14, 17, 23 and 26 फॉर एनी न्यू एक्टिविटी। तो ये दिनों, ये जो डेट्स है, ट्राई टू अवॉइड फॉर स्टार्टिंग एनी न्यू एक्टिविटी, न्यू वर्क, कोई इंपॉर्टेंट काम, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन अप, कोशिश कीजिए इसको अवॉइड करने के लिए। फ्रेंडशिप एंड पार्टनरशिप 2, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 25, 27 and 29 इन डेट, दो आर बोर्न इन दिस डेट्स, उनके साथ आपकी जो फ्रेंडशिप एंड पार्टनरशिप अच्छे मैच करेगा, दैट लुक गुड कंपेटिबल। लव एंड मैरिज born on any of these dates, 2, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 25, 27 and 29, those are born in these dates, उनके साथ आपकी लव एंड मैरिज की जो कंपेटिबिलिटी काफी अच्छा रहेगा, मैच करेगा। Your favorable color is white, grape, green, used in any form as curtains, bedsheet, door screen, hanky, clothing, etc. कोई भी फॉर्म आप इसकी यूज कर सकते हैं। Your dress code also. Your direction is north west, north और west corner. That direction आप बैठ के काम करें, आपको सक्सेस मिलेगा। उसी डायरेक्शन में अगर कोई काम के लिए जाएंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल।
ये प्रोफेशन इज लिक्विड प्रोडक्ट्स एनिमल हस्बेंड्री एंड इट्स बाय प्रोडक्ट्स शुगर रिलेटेड ग्रेन मिल्क एग्रीकल्चर वाटर रिलेटेड ट्रैवल एजेंट और रिलेटेड टू इट ड्रग्स एंड मेडिसिन राइटिंग म्यूजिक एक्टिंग डांसिंग कंट्रैक्टरशिप ऑफ हाउस एटसेट्रा। इसी लाइन में अगर आपके कोई भी प्रोफेशन शुरू करेंगे तो नेचुरली यू विल बी मोर सक्सेसफुल। ये नहीं कि मैं और कुछ नहीं कर सकता मेरे से नहीं बाकी सब करेंगे तो आपको चलेगा, बट यू विल बी मोर सक्सेसफुल ऑन दिस फील्ड बिकॉज दिस एक्टिविटीज आर डायरेक्टली रिलेटेड आइदर ऑफ योर बर्थ डेट की जो प्लैनेट्स है कंट्रीब्यूटिंग प्लैनेट्स एंड रूलिंग प्लैनेट्स उनके साथ ये डायरेक्ट अटैच है। ये आपकी साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट में अटैच है तो आपको यहाँ पे ज्यादा सक्सेस मिलेगा। योर डायटी इज वर्शिप मून एंड ऑफर प्रेयर टू लॉर्ड शिवा डू फास्टिंग ऑन मंडे एंड विजिट लॉर्ड शिवजी टेम्पल अवॉइड नॉन वेज एंड अल्कोहल ऑन मंडे रिसाइड ओम नमः शिवाय 108 टाइम्स डेली। नहाने के बाद कर सकते हैं, सुबह उठ के कर सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं किसी मंदिर मेरे को जाना है तभी करूंगा या नहाने के बाद ही मंत्र पाठ करूंगा, नथिंग लाइक दैट। ये मेरी अंतरात्मा जब कहता है मैं कोई मंत्र को बुलाऊं भगवान को बुलाऊं आप बुला सकते हैं। एवरी पूर्णिमा ऑफर मिल्क एंड वाटर टू फुल मून आफ्टर सनसेट, बहुत बड़ी चीज है। एवरी फुल पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन कोशिश करें कि सुबह से शाम तक अवॉइड करें कोई खाना पीने के लिए, जस्ट रिमेन द फ्रूट्स मिल्क लाइक दिस, अवॉइड एनी काइंड ऑफ ग्रेन्स लाइक राइस चपाती ऑल दोस थिंग्स। एंड शाम को आफ्टर मून राइज सनसेट के बाद फुल चंद्रमा को एक आप जो पूजा अर्चना जो करते हैं थोड़ा सा घी दीप जला के दिया जला के या धूप जला के थोड़ा सा मिल्क और थोड़ा सा पानी मिला के इनको ऐसा ऑफर कीजिए दैट इज मोर देन एनफ। अगर दिया धूप नहीं भी कर सकते सिर्फ इतना ही पानी भी थोड़ा सा ऑफर कीजिए दैट इज मोर देन एनफ। अपने मन की भावना के साथ आप इनको प्रार्थना कीजिए जो आपको सुख शांति समृद्धि दे, आपके परिवार को समृद्धि सुख शांति दे, ये आप कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल एक टूल है, हर पूर्णिमा आप कीजिए, चार पांच पूर्णिमा करने के बाद आपको पता चल जाएगा उसके अंदर असर कितना है। रेस्पेक्ट मदर सिस्टर मदर्स फैमिली वेयर व्हाइट क्लोथ ऑन मंडे चंद्र गायत्री मंत्र 21 टाइम्स डेली इन द मॉर्निंग अमृतम गाये विद्महे काल रूपाय धीमहि तन्नो समः प्रचोदयात। डोनेशन फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ मून डोनेट राइस व्हाइट सैंडल सिल्वर व्हाइट फ्लावर्स कार मिल्क एटसेट्रा टू एनी ओल्ड लेडी विथ मदरली रेस्पेक्ट या एट टेम्पल जैसे आपको अच्छा लगे। बीज मंत्र फॉर मून ओम श्राम श्रीम श्राम स चंद्राय नमः रिसाइड फॉर 108 टाइम्स डेली। आप इसको 30-45 डेज करिए, फील द डिफरेंस यरसेल्फ, एक्स वाई जेड कोई भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये रहा आज के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, नमस्कार, धन्यवाद। Auspicious year of age 10, 19, 20, 37, 46, 55, 64 and 73. Favorable days are Monday, Friday and Sunday for any new and auspicious activity. Auspicious dates are 2, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 25, 27 and 29. तो ये auspicious dates जब favorable days के साथ match कर जाता है तो final that day becomes more powerful, more successful for you, more auspicious for you. तो उसी दिन आप कोई भी अच्छे काम शुरू करते थे इंपॉर्टेंट काम शुरू करते हैं कर सकते हैं। एंड एवर 5, 8, 14, 17, 23 and 26 फॉर एनी न्यू एक्टिविटी। तो ये दिनों ये जो डेट्स है ट्राई टू अवॉइड फॉर स्टार्टिंग एनी न्यू एक्टिविटी, न्यू वर्क, कोई इंपॉर्टेंट काम, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन अप, कोशिश कीजिए इसको अवॉइड करने के लिए। फ्रेंडशिप एंड पार्टनरशिप 2, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 25, 27 and 29. यार इन डेट दो आर बोर्न इन दिस डेट्स उनके साथ आपकी जो फ्रेंडशिप एंड पार्टनरशिप अच्छे मैच करेगा, दैट लुक गुड कंपैटिबल। लव एंड मैरिज बोर्न ऑन एनी ऑफ दिस डेट्स 2, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 25, 27 and 29 दो आर बोर्न इन दिस डेट्स उनके साथ आपकी लव एंड मैरिज की जो कंपैटिबिलिटी काफी अच्छा रहेगा, मैच करेगा। यार फेवरेबल कलर इज व्हाइट ग्रेप ग्रीन यूज इन एनी फॉर्म एज कर्टन्स बेडशीट डोर स्क्रीन हैंकी क्लोथिंग्स एटसेट्रा।
कोई भी फर्म आप इसकी यूज कर सकते हैं। योर ड्रेस कोड ऑल्सो, योर डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट कॉर्नर, दैट डायरेक्शन आप बैठ के काम करें आपको सक्सेस मिलेगा। उसी डायरेक्शन में अगर कोई काम के लिए जाएंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। योर प्रोफेशन इज लिक्विड प्रोडक्ट्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड इट्स बाई प्रोडक्ट्स, शुगर रिलेटेड, ग्रेन, मिल्क, एग्रीकल्चर, वाटर रिलेटेड, ट्रैवल एजेंट और रिलेटेड टू इट, ड्रग्स एंड मेडिसिन, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, कंट्रैक्टरशिप ऑफ हाउस एटसेट्रा। इसी लाइन में अगर आपके कोई भी प्रोफेशन शुरू करेंगे तो नेचुरली यू विल बी मोर सक्सेसफुल। ये नहीं कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरे से नहीं, बाकी सब करेंगे तो आपको चलेगा, बट यू विल बी मोर सक्सेसफुल ऑन दिस फील्ड्स बिकॉज दिस एक्टिविटीज आर डायरेक्टली रिलेटेड आइदर ऑफ योर बर्थ डेट की जो प्लैनेट्स है, कंट्रीब्यूटिंग प्लैनेट्स एंड रूलिंग प्लैनेट्स, उनके साथ ये डायरेक्ट अटैच है। ये आपकी साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट में अटैच है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा सक्सेस मिलेगा। योर डायटी इज वर्शिप मून एंड ऑफर प्रेयर टू लॉर्ड शिवा, डू फास्टिंग ऑन मंडे एंड विजिट लॉर्ड शिवजी टेम्पल, अवॉइड नॉनवेज एंड अल्कोहल ऑन मंडे, रिसाइड ओम नमः शिवाय 108 टाइम्स डेली। नहाने के बाद कर सकते हैं, सुबह उठ के कर सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं किसी मंदिर मेरे को जाना है तभी करूंगा या नहाने के बाद ही मंत्र पाठ करूंगा, नथिंग लाइक दैट। ये मेरी अंतरात्मा जब कहता है मैं कोई मंत्र को बुलाऊं, भगवान को बुलाऊं, आप बुला सकते हैं। एवरी पूर्णिमा ऑफर मिल्क एंड वाटर टू फुल मून आफ्टर सनसेट, ये एक बहुत बड़ी चीज है। एवरी फुल पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन कोशिश करें कि सुबह से शाम तक अवॉइड करें कोई खाना पीने के लिए, जस्ट रिमेन द फ्रूट्स मिल्क लाइक दिस, अवॉइड एनी काइंड ऑफ ग्रेन्स लाइक राइस, चपाती, ऑल दोस थिंग्स, एंड शाम को आफ्टर मून राइज सनसेट के बाद फुल चंद्रमा को एक आप जो पूजा अर्चना जो करते हैं, थोड़ा सा घी दीप जला के, दिया जला के या धूप जला के, थोड़ा सा मिल्क और थोड़ा सा पानी मिला के इनको ऐसा ऑफर कीजिए, दैट इज मोर देन एनफ। अगर दिया धूप नहीं भी कर सकते, सिर्फ इतना ही पानी भी थोड़ा सा ऑफर कीजिए, दैट इज मोर देन एनफ। अपने मन की भावना के साथ आप इनको प्रार्थना कीजिए जो आपको सुख शांति समृद्धि दे, आपके परिवार को समृद्धि सुख शांति दे, ये आप कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल एक टूल है, हर पूर्णिमा आप कीजिए, चार पांच पूर्णिमा करने के बाद आपको पता चल जाएगा उसके अंदर असर कितना है। रेस्पेक्ट मदर, सिस्टर, मदर्स फैमिली, वेयर व्हाइट क्लोथ्स ऑन मंडे, चंद्र गायत्री मंत्र 21 टाइम्स डेली इन द मॉर्निंग, अमृतम गाये विद्महे काल रूपाय धीमहि तन्नो समः प्रचोदयात्। डोनेशन फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ मून, डोनेट राइस, व्हाइट सैंडल, सिल्वर, व्हाइट फ्लावर्स, कार, मिल्क एटसेट्रा टू एनी ओल्ड लेडी विथ मदरली रेस्पेक्ट या एट टेम्पल, जैसे आपको अच्छा लगे। बीज मंत्र फॉर मून, ओम श्राम श्रीम श्राम स चंद्राय नमः, रिसाइड फॉर 108 टाइम्स डेली। आप इसको 30-45 डेज करिए, फील द डिफरेंस यरसेल्फ, एक्स वाई जेड कोई भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये रहा आज के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, नमस्कार, धन्यवाद।